नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आप इस वीडियो पर आए हैं, इसका मतलब आप कहीं भी कोई भी ट्रेकिंग में जाने के लिए सोच रहे हैं या फिर जा रहे हैं। तो ट्रेकिंग में जाने के लिए जिन सारे मटेरियल्स का जरूरत पड़ती है, वो मटेरियल मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं खुद नेक्स्ट वीक रुद्रनाथ और तुंगनाथ दो ट्रेकिंग में जाने वाला हूँ, जो कि हिमालय में। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सितंबर के मंथ में कोलकाता में काफी गर्मी रहती है, पर पहाड़ों पर ठंड रहती है, क्योंकि हाइट वहां पर काफी ज्यादा होती है। रुद्रनाथ की हाइट है 11,800 फीट और तुंगनाथ की हाइट है 12,070 फीट के आसपास है, तो वहां पर काफी ठंड रहती है। तो ठंड से बचने के लिए थर्मल इनर वेयर का यूज करूंगा। ये है टॉप थर्मल इनर वेयर और ये है बॉटम। ये तो काफी ज्यादा मदद करेगी ठंड को रोकने में। तो चलिए इसको रख देता हूं। और ये है जैकेट। ये जैकेट -2 डिग्री टेम्परेचर तक के लिए बेस्ट है। ये जैकेट बहुत ही अच्छा है। तो ये जैकेट मैं लेके जा रहा हूँ और उसके बाद मैं लेके जा रहा हूँ ये हैंड ग्लव। इस सितंबर मंथ में वहाँ पर बर्फ नहीं मिलती है, तो वाटरप्रूफ हैंड ग्लव का जरूरत नहीं है। ये मैं कॉटन वाला ही लेके जा रहा हूँ सिर्फ ठंड से बचने के लिए। ये हो गया ग्लव्स। उसके बाद आती है ये है नेक गार्ड। इस तरह इसको पहनते हैं, ये गले में ठंड नहीं लगने देगा। और ये है कैप, विंटर कैप। और कहीं ज्यादा ठंड लगेगी तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये कैप हो गया और नेक गार्ड। तो ये ठंड से बचने के लिए इतने सारे चीजें हैं मेरे पास। और मैं लेके जा रहा हूँ 3 टी-शर्ट लेके जा रहा हूँ और 2 ट्राउजर और 1 हाफ पैंट। ये ट्राउजर मैं लेके जा रहा हूँ, ये वाटर रिपेलेंट ट्राउजर है जो ट्रेकिंग में बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जब ट्रेकिंग करेंगे हम लोग, कभी झरना आएगा, कभी पानी ऐसा आएगा कि हम लोग क्रॉस करना पड़ेगा, उस वक्त पानी में लग सकता है इसमें। तो पानी अगर लगेगी तो ये जल बहुत जल्दी सूख जाएगी और वाटर रिपेलेंट है तो ज़्यादा गीला भी नहीं हो। और दरअसल ये जो कॉटन की है, ये एक बार भींग जाएगी तो फिर सूखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेगी, तो ये कॉटन का नहीं लेना ही सही रहेगा। लेकिन मेरे पास एक ही है तो मैं एक लेके जा रहा हूँ कॉटन का और एक ये वाली लेके जा रहा हूँ। और उसके बाद मैं लेके जा रहा हूँ 3 सॉक्स और ये अंडर गारमेंट्स है मेरी 3 पेयर। अब मैं आता हूँ एक्सेसरीज पर। तो एक्सेसरीज बताने के लिए मैं टॉप से शुरुआत करता हूँ। एक्सेसरीज में सबसे पहला आता है ये कैप। ये डे कैप है, ये धूप से बचने के लिए बहुत ही काम करेगा। जब ट्रेकिंग हम लोग करेंगे तो उस वक्त सनलाइट काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो धूप लगी तो चेहरा जल सकता है, तो उस वक्त के लिए डे कैप बहुत ही ज़रूरत है। और उसके बाद आता है हेड लैम्प। ये काफ़ी ज़रूरी सामान है। ऐसे तो हम लोग रात में ट्रेकिंग नहीं करेंगे, दिन में ही करेंगे, लेकिन फिर भी ये हेड लैम्प ज़रूरत पड़ेगी। अगर रात में हम लोग टॉयलेट में जाएंगे या फिर बाथरूम कुछ भी करने के लिए अगर गए, हम लोग बाहर निकले, तो ये लाइट का जरूरत पड़ सकता है।
या फिर रात में अगर खाना भी खाएंगे थाली में लेकर, तो ये लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखने में कीड़ा वोड़ा ना आ जाए खाने में। और ये हेडलैम्प अच्छी बात है कि इसको एंगल में आप सेट भी कर सकते हैं किसी भी एंगल में। और इसके अलावा है टॉर्च, ये टॉर्च है, इसको आप फोकस भी कर सकते हैं, ये रेक्टेंगल शेप में हो जाएगा, सबसे छोटा और बड़ा। इस टॉर्च की सबसे खासियत है, मैंने यहाँ नोटिस किया कि सामने और एक बहुत ही हार्ड मेटल से बना हुआ है और नुकीला भी, साथ भी है, तो ये शायद लड़कियों की सेफ्टी के लिए दिया गया है कि रात के वक्त कहीं जाएंगे तो इससे पकड़ कर आप किसी को मारकर भाग सकते हैं, तो ये अच्छी है। और उसके बाद आती है सनग्लास, ये जरूरत पड़ेगा जब बहुत ही धूप रहेगा, आप ट्रेकिंग पर जा रहे हैं तो आंखों पर बहुत ही स्ट्रेस आता है, तो ये काफ़ी कम करेगी। सनग्लास आप ले लीजिएगा अपने चेहरे के हिसाब से। और उसके बाद क्या है, और ये है मेडिसिन किट में रखा हूँ, ये मेरा जितना भी ज़रूरत का सामान है, मतलब ज़रूरत का मेडिसिन है, वो मैं इसमें रखा हूँ। और जनरल भी कुछ रखा हूँ, जैसे क्रैप बैंडेज रखा हूँ, अगर कहीं पर मोच आ जाए तो वहाँ पर बांध सकता हूँ, भोलिनी स्प्रे रखा हूँ, पेन पट्टी रखा हूँ गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, और जितने भी सारे दवाएँ हैं जो ज़रूरतमंद है, पैरासीटामोल ये सब वगैरह, वो मैं रखा हूँ इसमें। ये हो गया। और उसके अलावा और क्या बताया, किधर से शुरुआत किए थे, इस तरफ से। अच्छा, इसमें से ये है, ये मैं छोटा सा डब्बा है जो एयर टाइट है, इसमें मैं कपूर को रखूँगा, जब ट्रेकिंग करेंगे उस वक्त सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उस वक्त ये कपूर को स्मेल करूँगा, फिर इसको बंद करके बैग में रख लूँगा। और इसके बाद ये था सुई धागा, सुई धागा रखा हूँ इनकेस ट्रेकिंग के जाने वक्त अगर बैग बैग टूट जाए या कुछ हो जाए, तो ये किसी तरह से उसे सिल कर नीचे आ सकूँ। और ये सेफ्टी पिन है, इस्तेमाल करूँगा कभी कभी जरूरत पड़ा तो। और ये है मेरा, मैं ग्लास पहनता हूँ तो ग्लास टूट ना जाए ट्रेकिंग के वक्त, इसीलिए मैं एक कवर लेके जा रहा हूँ, जो लोग ग्लास पहनते हैं वो लेकर जाएं। अच्छा, और ये दो चीज़ है, ओह सॉरी मैंने लोगों के दिया, और ये दो चीज़ें, ये नी कैप ये मैं पहन के जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा नी पेन हो रहा है तो वहाँ पर ये मदद करेगा शायद। और ये है बैक पेन के लिए, बैक पेन होने से ये पहनते हैं। मेरा बैक पेन अभी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ट्रेन से जा रहा हूँ हरिद्वार, जो कि 26 घंटे का जर्नी है, तो उसमें ट्रेन में जब ट्रेन का जब जर्नी चल ट्रेन जब चलती है तो काफ़ी ज़्यादा शेक होता है, वाइब्रेशन, तो उस पर स्पाइनल कॉर्ड पर लोड पड़ता है, तो वो 26 घंटे के दौरान कहीं बैक पेन स्टार्ट ना हो जाए, इसीलिए मैं ये पहन कर जाऊँगा ट्रेन में, और ट्रैकिंग में ज़रूरत नहीं पड़ेगी पहनने के लिए। और उसके बाद ये है पावर बैंक, मैं लेकर जा रहा हूँ चार्जिंग करने के लिए, काम में आएगा। और ये दो मास्क, अभी कोरोना के समय मास्क बहुत ज़रूरत है। और ये मैं लेकर जा रहा हूँ टावेल, ये गमछा इसको बोलते हैं आप लोग, टावेल मैं इसीलिए नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि ऐसा लेकर जाना है गमछा, ताकि अगर भींग जाए बहुत ही कम समय में जल्द ये सूख जाए, इस टाइप से लेकर जाएगा। टावल लेकर जाएंगे तो वो भींग जाएगा तो काफ़ी वक्त ले लेगा सूखने में, इसलिए मैं टावल नहीं ले जाकर गमछा लेके जा रहा हूँ। अब आती है ये स्टिक, ये बहुत ही वाइटल इक्विपमेंट है ट्रेकिंग करने के वक्त, इस ये अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ टाइट करके, यहाँ पर लिखा है इस तरफ रोटेट कीजिएगा तो लॉक होगा, इस तरफ कीजिएगा तो अनलॉक होगा, ये अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए, तो आप ये चलने के लिए चलने वक्त आपको हेल्प करेगा। इंक्लाइन में जब चढ़िएगा तो उस वक्त बॉडी वेट, या फिर अगर आप ऊंचाई को चढ़े तो सामने झुका रहेगा और नीचे उतरे तो पीछे की ओर, तो ये जो स्टिक है आपको हेल्प करेगा बॉडी की सीजी को मेंटेन करने के लिए। आप इसकी जगह पर लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए लकड़ी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर लेने से अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताना भूल ही गया, रेनकोट,
रेनकोट बहुत ही जरूरत है, ट्रेकिंग के वक्त अगर बारिश हो जाएगी तो रेनकोट चाहिए ही चाहिए, नहीं तो पूरा ही भीग जाइएगा और उसके बाद ठंड लगेगी तो शरीर भी खराब हो सकता है। और ये वाटर बोतल लेके जाना है, ये मैं प्लास्टिक का लिया हूँ, स्टील का नहीं लिया क्योंकि ये लाइट वेट है और मुझे ये फेंकना कहीं नहीं है, वापस घर में ही लेके आना है। और अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे दो और दो बैग है, एक बड़ी बैग है एक छोटी बैग है। हिमालय ट्रेकिंग के लिए ये मेरा पहला ट्रेक है, इसीलिए मैं पोर्टर हायर करूंगा और पोर्टर जो है बड़ी वाली बैग लेकर जाएगी और छोटी वाली मैं लेकर जाऊंगा। छोटी वाली बैग में सिर्फ इसेंशियल आइटम में लेकर जाऊंगा ट्रेकिंग करने के वक्त। उस इसेंशियल आइटम में जैसे हो गया रेनकोट, अगर बारिश हो अचानक पड़ना तो बैग में रहेगा लेकर पहन लूंगा। अगर पोर्टर में दिया तो पोर्टर तो आगे लेकर चला जाएगा, तो पानी बारिश होगी तो मैं भीग जाऊंगा, इसलिए जो जो इसेंशियल आइटम है वो मैं इसमें रखूंगा और जो मैं जैसे गंजी टी शर्ट जीन्स वगैरह सब जितना भी सारा वो सारे इसमें डाल दूंगा, ये पोर्टर लेके जाएगा। पोर्टर से मुलाकात सुबह होगी जब हम दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे और जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर रात में रुकना वहाँ पर पोर्टर जाके पहले से ही वेट करेगा। पोर्टर के साथ हम लोग कभी भी तालमेल नहीं बैठा सकते क्योंकि वो लोकल लोग रहते हैं, काफ़ी तेज़ी से जाते हैं, हम लोग तो भाई धीरे स्लो स्लो जाएंगे। और तो ये बड़ी वाली बैग का ये रेन कवर है और छोटे वाली बैग के लिए रेन कवर ये रहा, छोटे बैग के लिए ये रेन कवर है। और दो चीजें हैं, जूता और चप्पल, ये मैं नीचे रखा हूँ, ये बिस्तर है इसीलिए इसके ऊपर नहीं रखा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको भी। ये है मेरा चप्पल और ये है जूता। ये जूता बहुत ही वाइटल इक्विपमेंट है ट्रेकिंग के लिए, जूता में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। इस जूते का तीन खासियत मुझे अच्छा लगा, ये तो एंकल लेंथ का है, कभी भी एंकल नहीं मुड़ेगा आपको, और इसका ग्रिप, ये ग्रिप बहुत ही अच्छा है पहाड़ के लिए। और तीसरा है ये वाटरप्रूफ, तो ये है MH 100 डिकैथलॉन का हाइकिंग शू। जितने सारे इक्विपमेंट है सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं और परचेस भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा सामान जो मैं रुद्रनाथ और तुंगनाथ लेके जा रहा हूँ, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक जाने वाला हूँ रुद्रनाथ और तुंगनाथ, और ट्रेकिंग करने के बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर और पर क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। तो चलिए वीडियो का अंत यहीं करते हैं, ओम नमः शिवाय।